फ्लैग बना हुआ है। जी जनाब, तो सफ़र का हम अपना आगाज़ जो है वो आगे से कर चुके हैं। हमने चेकआउट कर दिया था पर इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ये वीडियो वहाँ से बना सकती, तो इसलिए इस व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। खूबसूरत से नज़ारे देखते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि आज हम कब तक अपना सफ़र तय कर पाते हैं। हमने यहाँ पर स्टॉप लिया है, क्या खूबसूरत से नज़ारे नज़र आ रहे हैं और यहाँ हमें मिल गई है ये एक छोटी सी वाटरफॉल, तो सोचा कि ना थोड़ी सी देर यहाँ पर रेस्ट कर लिया जाए बैठ के। चलते फाइनली हम पहुंच चुके हैं धनी वाटरफॉल के ऊपर और जो कि इस तरीके का कुछ नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त से व्यू के साथ, तो चलें जी ऊपर जाते हैं अब इसके करीब। चलते फाइनली हम पहुंच चुके हैं धनी वाटरफॉल के ऊपर और जो कि इस तरीके का कुछ नज़र आ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त से व्यू के साथ, तो चलें जी ऊपर जाते हैं अब इसके करीब। हम पहुंच चुके हैं नीलम वैली, इंटर हो गए हैं हम यहाँ पर और ये चेक करें यार क्या ज़बरदस्त डैम बना हुआ है, कमाल। चलो बस बिना वक्त को ज़ाया किए निकलते हैं आगे की तरफ, अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना। तो जी आ चुकी है चेक पर, हम यहाँ तो जी फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आज हम आ गए हैं देखने। हम पहुँच गए हैं LOC पे और ये देखें जी वो नज़र आ रहा है आपको जी, इंडिया का झंडा सीरियसली, और वो एक इन्होंने वहाँ ऊपर की तरफ भी लगाया हुआ झंडा बड़ा सा, पता नहीं क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट ये वाला क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये देखें ये भी लहराया यार, कसम से जो फीलिंग जिस वक्त आ रही है ना मैं इमेजिन नहीं कर सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यार इतने करीब होकर भी देखें कैसे। सो ये नज़ारा हाँ से ज़्यादा क्लियर है वो, अगर मैं इसका थोड़ा सा जूम करूँ ना तो ये देखें, और ये लहरा भी रहा है ये इंडिया का झंडा, और वहाँ नीचे भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है ये वाला फंक्शन, ये गोल सा नज़र आ रहा होगा, ये भी इंडिया का सारा फ्लैग बना हुआ है। इतना इतना सा डिस्टेंस है खाली हमारा और उनमें, इतने करीब होकर भी हाय कैसे ऑक्यूपाई हो सकता है, क्या कह सकते। तो जी ये चीज़ देखनी थी और ये यहाँ से नज़र आ रहा है सारा ऑक्यूपाई कश्मीर। वो ब्रिज है जहाँ से जो है इधर उधर आया जाया जाता था, पाकिस्तान वाले इंडिया में आते थे, इंडिया वाले पाकिस्तान में जाते थे, पर अब ये बंद कर दिया और रास्ता भी बना हुआ है। तो जी इन हसीन सी वादियों में मज़े से घूमते हुए इंजॉय करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे हम LOC पर रुके थे, वहाँ पर रुकते ही यार दिल खुश हो गया था, पर यहाँ पर शदीद तरीन गर्मी है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी यहाँ हो सकती है, बट बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी है। और जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वेदर हल्का फुल्का सा चेंज होता जा रहा है, लेकिन स्टिल हमारा AC जो है वो ऑन है, गर्मी बहुत है, नज़ारे कमाल के हैं। ये
ایک یہ والی لوکیشن تھی جس کو دیکھنے کے لیے ہم ترس رہے تھے، اور ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. وہ سامنے نظر آ رہا ہے انڈیا کا اسکول آکیوپائی کشمیر، اور ہم اس وقت موجود ہیں ادھر. فی الحال ہم نے ابھی روم لیا نہیں ہے، چیک کرتے ہیں بس ویو کے لیے. فی الحال میں نے کہا چلو یار یہ ویڈیو بنانی بنتی ہے تو بس جاتے ہیں اور بس یہ چیک کریں یار. جسٹ چیک دس آؤٹ، مائی گاڈ، واؤ. ہم کھڑے ہوئے ہیں پاکستان سائڈ پہ اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے انڈین اسکول. آئی گیس مجھے تھوڑا سا پتہ جانا چاہیے، وہاں سے زیادہ کلیئر آئے گا. تو یہ جی واؤ، you